नाम है इजहार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आई एम ट्रैवलर। आज भी एक हसीन शाम है और निकल कर आए हैं अपनी ज़ुबान को जायके की तलाश दिलाते हुए एक शॉप पर। और ये है बहुत ही मतलब चटपटा खाने का मेरा मन कर रहा था और चटपटे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं लोग, तो मैंने सोचा कि जायके की तलाश की जाए और निकाली हमने अपनी नई नई जो अपने रेफरेंसेस हैं निकाल लिए और हम पहुँच गए हैं इस टाइम पे नवाब भाई कबाब ट्राई करेंगे। काफ़ी मशहूर है, लोग तारीफ़ करते हैं कबाब ट्राई करेंगे, कितने स्मूथ है, कितने टेस्टी है, क्या माल मसाला है, क्या क्या मिलाते हैं सब जानेंगे और पूरा बाकायदा मैं आपको एड्रेस बताऊंगा और कैसा टेस्ट है, क्या क्या मतलब क्या हिस्ट्री रही है इनकी, कितने पुराने हैं, क्या सारी चीज़ें हैं जानते हैं। चलिए चलते हैं नवाब भाई कबाब वालों के पास। पहुँच चुका हूँ मैं नवाब भाई कबाब वालों के पास में और ये है हमारे नवाब भाई कबाब वाले जो जिनके नाम से ये फेमस है दुकान। तो चलिए चल सवाल आप पूछते हैं, जानते हैं क्या है हिस्ट्री कबाबों की और उसके बाद टेस्ट करेंगे कबाब और देंगे आपको रिव्यू कबाबों का। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? भाईजान का पूरा नाम क्या है? अजीम। अच्छा, आप अजीम भाई। अजीम भाई कितना वक्त हो गया अपनी शॉप को? काफ़ी वक्त हो गया। तो मतलब अभी कबाब से पहले भी कोई वक्त काम रहा है या जी नहीं? ये पुश्तैनी काम। अरे ये कबाब का ही पुश्तैनी काम है, काफ़ी वक्त हो गया इसका मतलब अगर हम अब्बा ने हुजूर ने शुरू किया तो काफ़ी वक्त समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कबाब एक ही तरह के बनाते हैं या अलग अलग तरीके से भी कोई कबाब बनाते हैं आप? हाँ, ये ऑर्डर पर हम हर तरह के कबाब बनाते हैं। ऑर्डर पर हर तरह के कबाब बनाते हैं, और जो रिटेल में अच्छा रिटेल में तो बफ के होते हैं बफेलो के। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कबाब भाई एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि मतलब नॉर्मल आपकी शॉप पे ही कस्टमर्स आते हैं या आप शादी पार्टी में भी ऑर्डर वगैरह देते हैं? ऑर्डर देते हैं शादी पार्टी का भी ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने एक चीज़ यूनिक देखी कि कबाब शॉप काफ़ी मतलब लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो कबाब आपके ऊपर से नीचे आते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं अगर थोड़ा सा अगर विजिट करना चाहूँ ऊपर कबाब बनते हुए वगैरह तो कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं देखने हैं कैसे बनते हैं कबाब। तो दोस्तों मैं ऊपर पहुंच चुका हूं जहां पर भाई के कबाब तैयार होते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या मतलब ज़बरदस्त कीमा लगा हुआ है और भाई लगातार अपने मतलब तजुर्बेकार हाथों से कीमा बना वो जो है कबाबों में तब्दील करते हुए जा रहे हैं और इस तरफ लगा हुआ है भाई का ये कीमे को बनाने का और कीमे से कबाब तैयार करने का पूरा आइटम सारा कुछ यहीं लगा हुआ है और यहाँ से ही एक ट्रॉली के थ्रू जो है नीचे कबाब पहुँचते हैं और ट्रॉली में लगाने के बाद नीचे कबाब पहुंचते हैं और नीचे कबाब कस्टमर को सर्व किए जाते हैं और ये दूसरी मंजिल पे यहाँ पर कबाब तैयार होते हैं। जी जी, तैयार है कबाब बेहतरीन और ये यहाँ से पैक होके जस्ट अब नीचे पहुँचेंगे। अब यहाँ से ही हमारी ट्रॉली तैयार है, ट्रॉली निकल रही है हमारी नीचे। चलिए, वाह भाई वाह, ये सारी हमारी ट्रॉली नीचे पहुँच गई है और वहाँ पर एक शीशा भी लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये मिरर लगा हुआ है ताकि नीचे देखने के लिए कि नीचे ट्रॉली पहुँच गई है सही सलामत। और ये माल का आइडिया है, किचन तो हमने कर लिया है विजिट और आपको दिखा दिया कि किस तरीके से कबाब वहाँ पर तैयार होते हैं और ऊपर से नीचे कबाब आते हैं और यहाँ पर सर्व होते हैं, पूरी तैयारी सारी की सारी ऊपर होती है। मतलब काफ़ी यूनिक आइडिया लगाया क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है और स्पेस ना होने की वजह से कस्टमर भी जो है खड़े होकर अपना यहाँ पर करते हैं, जो भी खाना होता है उनको यहीं पर लेते हैं, यहाँ से पैक करा के ले जाते हैं बनते ऊपर। तो अब तैयारी है रिव्यू करने की कि भाई जितना लोग बताते हैं कि कबाब इनके अच्छे हैं ट्राई करते हैं क्या उतने वाकई में कबाब अच्छे हैं या फिर देखते हैं जानते हैं कबाब खाने के बाद। कुछ डेली बेसिस से कस्टमर यहाँ पर भाई कबाब खा रहे थे
तो मैंने कहा पूछ लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं कस्टमर जो है कितना पसंद करते हैं। तो भाईजन का नाम क्या होगा? मेरा मोहम्मद याकूब अली। मोहम्मद याकूब अली, कितने वक्त से आप जो है नवाब भाई के कबाब खा रहे हैं? ये इनके अब्बा के टाइम से हम आ रहे हैं, इनके पास कबाब खा रहे हैं। अच्छा, इनके अब्बा के टाइम? वालिद साहब के टाइम से। अच्छा, इनके वालिद, तो लगभग मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया, करीबन मोस्टली 15-20 साल तो हो गए। अच्छा, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है लेकिन किराए पे है और कस्टमर की भीड़ भी लगी रहती है। हाँ, सबसे अच्छा क्या लगता है कबाबों में, नवाब भाई के कबाबों में और अदर लोगों के कबाबों में? इनका जायका, इनका जायका डिफरेंट होगा। और एक चीज़ मैंने देखी है कि अदर लोगों के कबाब आप खाते हैं तो या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, पूरा टूट जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब टाइट रहते हैं, लेकिन इनका मैंने देखा कि मीडियम है ना, जल्दी मतलब टूटते हैं। जी जी, वो ऐसा ना, इसके अंदर जो है जो इंग्रेडिएंट है ना, मुझे यूनिक है, यूनिक और है। इसके अंदर जो कीमे के अंदर चिकनाई कितनी होनी चाहिए, वो वही कहना चाहेंगे कि जाफराबाद में जो मशहूर है नवाब भाई कबाब। नवाब भाई कबाब है मशहूर। अच्छा, मेहमान आए हुए हैं सीकर से, राजस्थान से। राजस्थान से भाई आए हुए हैं। अरे वाह, राजस्थान से भाई को लेके आए स्पेशली जो है कबाब खिलाने के लिए। तो भैया मेहमानों को भी यहाँ पर जो है नवाब भाई कबाब खिलाने के लिए लाया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। जाफराबाद आए और आपको पूछना चाहूँगा कैसा टेस्ट लगा यहाँ का राजस्थान? मैं ऑलमोस्ट पूरे भारत में घुमा हूँ, पूरी जगह का है। हाँ, यहाँ का एकदम अलग, एकदम अलग है, अलग टेस्ट है, मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कस्टमर्स के रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, कस्टमर कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब कह के जाए कि हाँ थोड़ा बहुत भी अलग यूनिक बताते हैं, अलग टेस्ट बताते हैं नवाब भाई कबाब वाले। तो कबाब हमारे तैयार हैं, ये टेस्ट करते हैं और जानते हैं कितने टेस्टी हैं कबाब। और ट्राई करते हैं कबाब, कबाब के साथ हमारे साथ खा सकते हैं सलाद, और ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारी के साथ। मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं तो इस टाइम जो है हम लोग हैं नवाब भाई कबाब वाले, जो कि बिल्कुल मेन रोड पर है और इस रोड को कहते हैं इंदिरा चौक। ये जस्ट ये जो गली गई है ये यहाँ से और ये यहाँ तक, इसे कहते हैं मेन जाफराबाद मार्केट रोड। तो अगर आप आ रहे हैं तो सीलमपुर से, सीलमपुर की रेड लाइट या सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि जाफराबाद मेन मार्केट रोड कौन सा है, उसी पे आके इंदिरा चौक है, इंदिरा चौक पे है ये नवाब भाई कबाब वाले। जी, ये जाफराबाद में इंदिरा चौक पर हैं नवाब कबाब वाले। अच्छा, सीलमपुर की तरफ से आते हैं तो इसका क्या मतलब मेन मार्केट क्या कहलाती है? जाफराबाद मेन रोड, जाफराबाद मेन रोड, जाफराबाद इंदिरा चौक। अच्छा अच्छा, और गोकुलपुरी की साइड आते तो सेम? जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो इंदिरा चौक नवाब भाई कबाब वाले फेमस है, किसे भी पूछ लेंगे बता देंगे। चलिए जी, शुक्रिया।